गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। ये एक ऐसा टॉपिक है गाइज जो कि आपके मेंस में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप मेंस पर जरूर लिखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस टॉपिक में मिलने वाले हैं। अरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, आपराधिक न्याय प्रणाली जो है, इसमें जो सुधार होने चाहिए, जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो बहुत ही धीमी गति से हो रहे हैं, बहुत ही धीमी गति से। और हमें जल्दी से जल्दी तेजी से जो है वो जस्टिस लाने के लिए कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि हो ये रहा है गाइस कि भारी मात्रा में बेकसूर लोग जेल में हैं, अपना ट्रायल काट रहे हैं। आपको पता होगा गाइस कि काफी सारे ऐसे अपराध होते हैं जिसमें बेल नहीं मिलती है, भले ही एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो अपराधी हो या ना हो, बट उसको जो है वो जेल में डाल दिया जाता है और फिर वो जेल से कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में आकर अपने केस को लड़ते हैं। और ऐसे काफी सारे अंडर ट्रायल्स कैदी जो है वो जेल के अंदर, जो बिल्कुल बेगुनाह है, इनोसेंट है, एंड दे आर लाइक लिविंग इन जेल्स, बहुत सालों से ये जेल में रह रहे हैं। तो इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो गाइस आज की डेट में क्या क्या कंसर्न्स हैं, वर्तमान की क्या चिंताएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। तो डिले हम लोग को डिस्पोजल ऑफ केसेस में देखने को मिल रहा है, राइट, मामलों के निपटारे में देरी हो रही है और इसी चीज की वजह से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। किन लोगों का? अंडर ट्रायल्स का और कन्विक्ट्स का। अंडर ट्रायल्स कौन है अभी बताया ना मैंने आपको, ये चीज ध्यान में रखना कि कोई केस होता है जिस केस में, क्योंकि आपको बताएगा इसकी एक व्यक्ति तभी दोषी कहलाएगा जब कोर्ट उसको जो है वो दोषी करार करेगी, है ना। बट काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि नॉन बिलेबल होते हैं, जिसमें डायरेक्ट जेल भेज दिया जाता है और वो व्यक्ति जो है वो जेल से अपना केस लड़ता है, एक कैदी की तरह जो है वो रखा जाता है। जब जेल में तो कैदी को ही रखेंगे, तो वैसे ही उसको जो है वो जीना पड़ता है। एंड ये वाली जो प्रॉब्लम है ये क्लियरली ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, ये पॉइंट डेफिनेटली लिखिएगा अपने मेंस के अंदर, राइट। इसके अलावा डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑन पुलिस रिफॉर्म को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस सुधार को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश जारी किए हैं, इसके बावजूद भी हकीकत में शायद ही कोई बदलाव हुआ है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने संबंधी, यानी कि इवन अगर कोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी ठहराती है, मतलब पूरा केसेस चल रहा होता है, उसमें भी बहुत सालों का समय लग जाता है इंप्लीमेंट होने में। आज की डेट में खुले क्रिमिनल्स घूम रहे हैं बाहर, किस चीज का फायदा उठाकर? हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फायदा उठाकर। मेरा खुद का केस चल रहा है, 5 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, राइट, अपराधी बाहर घूम रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, सजा होनी चाहिए उनको, बट घूम रहे हैं। किस चीज का फायदा उठा रहे हैं? हमारे सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, जो कि इस तरीके का, इसमें इतने लूप होल्स हैं कि क्रिमिनल्स आजादी से जो है वो घूमता है और जो विक्टिम्स व्यक्ति जो होते हैं, पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, उनको परेशानी हमेशा होती रहती है, उनका तो बस कोर्ट कचहरी में पैसा जाता है, मेंटल टेंशन अलग होती रहती है। जितनी बार भी कोर्ट में जाओ, पेशी में जाओ, जब सामने उन ऐसे लोगों को देखो, राइट, जिन्होंने हमारे साथ जो है वो बुरा किया बट फिर भी वो आजादी से बाहर जो है वो घूम रहे हैं, तो बड़ा अजीब लगता है, गलत लगता है। फिर कई बार जैसे आम जनता है, उसके दिमाग में ये आने लगता है यार कोर्ट कचहरी छोड़ो, बाहर ही किसी को पैसे वैसे देकर मरवा दो, निपटा दो, आता है कि नहीं आता? ये नॉर्मल प्रोसीजर चीजें हैं। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लोगों के माइंडसेट भी समझना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचो कि ये घटना अगर आपके साथ घटेगी, कोई भी क्रिमिनल घटना आपके साथ घटेगी, आप कोर्ट में जाओगे किस चीज के लिए? न्याय लेने के लिए, राइट, जस्टिस के लिए आप जाओगे। बट जब आपको लग जाएंगे 5 साल 10 साल 15 साल केस में, आप सबको क्या एडवाइस करोगे कि भैया यार एक काम करो, बाहर कोर्ट के बाहर मामला सुलटा लो, कोर्ट वोर्ट में मत जाओ, क्योंकि कोर्ट वोर्ट में सालों साल का समय लगता है। तो ये हमारी अगर कंट्री में इस तरीके की चीजें होंगी तो लोगों का ट्रस्ट कोर्ट के सिस्टम से हट जाएगा, जुडिशरी से हट जाएगा। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लोगों का ट्रस्ट जो है वो सिस्टम के ऊपर बिल्डअप करना है। सो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर किस प्रकार के चेंजेस हम लेकर आए कि जिससे कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि जब आप मेंस के आंसर लिखेंगे तो ये ट्रस्ट वाला पॉइंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे हमेशा पब्लिक सिस्टम के ऊपर, जो हमारे जो सिस्टम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, सरकारी इंस्टीट्यूशंस, तो इन पर हमेशा बना रहा है पब्लिक का ट्रस्ट। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये लिखिएगा मेंस के आंसर में, राइट। इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स सामने आए हैं,
कुछ सुझाव जो है वो दिए गए हैं सुधार के लिए। तो पहला पॉइंट, स्पेशल लॉस लाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाई जाए, राइट, जो कि रिप्लेस कर सके कुछ ऑफेंस को जो कि आईपीसी के अंडर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिससे कि बहुत सारे केसेस हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो पाइलअप होते हैं तो वो कम हो जाए, राइट। तो क्या करना है आपको कि भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अपराधों को विशेष कानून और फास्ट ट्रैक अदालतों में निपटाया जा सकता है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में अगर कुछ पर्टिकुलर केसेस को आप निपटा दोगे तो कोर्ट के ऊपर से भी जो है वो बर्डन कम होगा, और पुलिस थाने में जैसे ही केस आएगा, थाने से वो केस जो होगा वो तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा रेदर देन रेगुलर कोर्ट की जगह, और फटाफट मामले जो है वो निपटारा होते जाएंगे, निपटते जाएंगे, राइट। फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप डिजिटलाइज करो, जैसे मैं अपने केस की बात करता हूँ, मेरे केस में ये अपराधी लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ये हमने जो पुलिस थाने में जो जब्ती करवाई थी, जो पूरे एविडेंसेस दिए थे, ये एक एक करके हर मतलब ये मान के चलो कि 2-3 महीने में किसी ना किसी डॉक्यूमेंट को घुमवा देते हैं, ये बोलते हैं अरे वो डॉक्यूमेंट घूम गया, लास्ट टाइम एक सीडी घूम गई थी, उस सीडी को मिलने में 1 साल लग गया। सो दे नो द लूप होल्स, दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट, होता है यार ऐसा। तो इसलिए पूरे दस्तावेज जितने भी है सबका डिजिटलीकरण करो, तो ये दूसरा सुझाव है, लिखिएगा दूसरा सुझाव। और इससे क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स है वो स्पीड अप हो जाएंगे डिजिटलाइजेशन के कारण, ये घूमने की प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट घूम गया फिर उसको ढूंढ रही भैया फोर्सेस, और ढूंढना तो एक बहाना होता है, करना तो उनको डीले है, केस जितना डीले हो सके उतना डीले करते रहो, राइट। और गाइस पिछले 40 सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बदल गई हैं, क्रिमिनल्स जो है वो अलग टाइप से जो है वो क्राइम्स कर रहे हैं, तो आपको नई नई चीजें जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, जो ऑफेंसेस जितने भी हैं, अपराध जितने भी हैं, उसको आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा, और नए नए अपराध जो होते हैं आज की डेट में उसको आप ऐड करो कानून के अंदर जो है वो उसको शामिल करो, राइट। तो ये करने की जो है वो आज की डेट में काफी ज्यादा आवश्यकता है। और कई बार हम लोग को देखने को मिलता है गाइस, कई बार कई केसेस होते हैं ऐसे होते हैं कि जिसमें क्रिमिनल जो होता है वो क्राइम करता है, अलग अलग टाइप से वो क्राइम करता है, वो क्राइम का नेचर जो होता है वो एक जैसा ही होता है, एक समान ही होता है, बट उस एक समान क्राइम के लिए अलग अलग कानून हमें देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से जो अलग अलग कानून है उसको आप जो है वो मर्ज करो, एक में लाओ, एक करो, और इसके लिए जो पूरी पावर दी जाए वो जजेस को दी जाए ये डिसाइड करने की कि एक व्यक्ति ने जो क्राइम किया है, राइट, सेम नेचर का अगर वो क्राइम है जो जिसमें अलग अलग सजा जो है वो दी जाती है, तो वो जज जो है वो डिसाइड करें किस चीज के आधार पर, पुराने जजमेंट्स के आधार पर डिसाइड करें कि सामने वाले व्यक्ति को क्या सजा देनी है, क्योंकि हमारा जो पूरे अगर हम आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, राइट, तो अलग अलग कानून की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रोविजन हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि एक प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अल्टीमेटली डिसाइड करने की पावर जो है वो दी जाए जज को, कि जज जो है वो किस टाइप से सजा जो है वो डिसाइड करें सामने वाले व्यक्ति को देने की, और ये तो जनरली वैसे भी होता ही है, राइट। तो इसलिए ये वाला पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए, राइट। और इंडिया के अंदर क्रिमिनल लॉ की बात करें गाइस, भारत में आपराधिक कानून की बात करें तो क्रिमिनल लॉज जो इंडिया के अंदर है वो काफी सारे सोर्सेस से मिलते हैं हमें। तो भारत में प्रचलित आपराधिक कानून का स्रोत जो है वो कई कानूनों में निहित है। कौन से हैं? आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, राइट। तो ये कुछ कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं जिससे कि हमारा पूरा ये क्रिमिनल लॉ सिस्टम जो है वो बनता है, राइट। इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो पेनाल्टीज इंपोज करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है। क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर जो होते हैं वो किस लिस्ट के अंदर आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। 7वीं शेड्यूल जो हम लोग को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देखने को मिलती है जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो ये क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस पर कानून जो है वो बनाने की शक्ति है। एक फैक्ट ध्यान में रखना, लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ये कौन है? ये चीफ आर्किटेक्ट है किसके? कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉस के इंडिया के अंदर। तो याद रखना लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले इसको भारत में आपराधिक कानून के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्वेश्चन आएगा चीफ आर्किटेक्ट कौन है क्रिमिनल लॉस की कोडिफिकेशन का इंडिया में, तो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, राइट। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुधारों की आवश्यकता क्यों है हमारे क्रिमिनल लॉ सिस्टम के अंदर। तो पहली बात तो ये जो कानून जो बनाए गए हैं ये बहुत पुराने हैं, औपनिवेशिक युग के कानून है, कोलोनियल एरा के कानून है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
प्रभावहीनता मतलब इनइफेक्टिव, काफी सारे हम लोग को कानून देखने को बोलते हैं जो आज की डेट में लागू नहीं हो पा रहे, इनइफेक्टिव है, किसी काम के नहीं है। इसके अलावा केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग हम लोग को देखने को मिलते हैं, ह्यूज अंडर ट्रायल्स, बहुत सारे लोग जो है जो बेकसूर हैं जिनका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में यानी कि जेल में रहकर, वो अभी तक उनका केस पर फाइनल जजमेंट नहीं आया, बट वो जेल में एक कैदी की तरह जो है वो क्रिमिनल की तरह जो है वो सजा काट रहे हैं भले ही वो इनोसेंट क्यों ना हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कौन सी कमिटीज हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि बनाई गई है क्रिमिनल लॉस के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नेशनल लेवल पर कमेटी जो है वो तैयार करी थी कि क्रिमिनल लॉस के अंदर सुधार लाने के लिए। ये कमेटी जो थी वो किसके अंडर बनाई गई थी, तो रणबीर सिंह और काफी सारे मेंबर्स था, तो आप कह सकते हैं कि रणबीर सिंह कमेटी किससे एसोसिएटेड है। तो ध्यान में रखना कि हमारी कंट्री के अंदर आपराधिक कानून में सुधार के लिए ये समिति जो है वो, या फिर कमेटी जो है वो बनाई गई थी। और ये कमेटी जो है गाइस इसने बहुत सारे ओपिनियन जो है वो ऑनलाइन गैदर किए, काफी सारे एक्सपर्ट्स के साथ बात किया, कंसल्ट किया, राइट, और ये सुधार पर जो है वो चर्चा भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिमिनल लॉस जो है, आपराधिक कानून जो है उसके संबंध में और भी कौन सी कमेटीज हैं, तो माधव मेनन कमेटी, मलिमाथ कमेटी, बस ये थोड़ा सा कमेटी के नाम याद रखो, कभी कभी क्या होता है कि मेंस वगैरह में इस प्रकार से कमेटी के नाम आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, आपका मेंस का आंसर बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो गाइस ये क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो टॉपिक था तो वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, तो इस पर एक अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक छोटी सी अपडेट आई है, आपको पता होना चाहिए गाइस कि आज की डेट में जो आपराधिक कानून जो है, क्रिमिनल लॉज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसमें बदलाव करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श से भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ऐसे जो कानून है इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, संशोधन करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सजेशन मांगे हैं गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो यूनियन टेरिटरीज के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो वेरियस हाई कोर्ट्स के हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल जो वेरियस स्टेट के हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज, लॉ इंस्टीट्यूट, सभी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनसे कहा है कि इनको जो भी लगता है, जो भी ये सजेशन देना चाहते हैं क्रिमिनल लॉज में किस प्रकार से चेंजेस लाए जाए, तो वो चेंजेस दे दें। तो इसको लेकर एक काफी अच्छा आर्टिकल था गाइस क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी।